बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कप दूध से मिर्ची का अचार बनाने का तरीका। आप मानोगे नहीं कि दूध से भी अचार बनता है, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले। एक चौथाई राई और आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और ये हरी मिर्च ली है, एक नींबू लिया है और आधा प्याली मैंने दूध लिया है। जिस हिसाब से आप मिर्ची ले उसी हिसाब से दूध को लेना है। तो मैं इतना ही अचार बना रही हूँ तो मैं उतना ही दूध लूँगी। ये मैंने पैन में एक कप तेल लिया है, तकरीबन एक बड़ा चम्मच मैंने तेल लिया है। इसके साथ ही मैंने जीरा और राई को तड़काया है और ये हरी मिर्च मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। तो इनके अंदर मैं हल्का हल्का फ्राई करूँगी, इसको अच्छे से इसके अंदर हल्का फ्राई कर लेना है। जब ये हल्का फ्राई हो जाए, ये हल्का हल्का फ्राई होने लग जाए, उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको आधा सेकंड के लिए इसको पकाएंगे। इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। मैंने नींबू का रस निकाल लिया है, एक नींबू लिया था मैंने उसका रस निकाल लिया है। इसके साथ ही मैं जो दूध है वो ऐड कर दूंगी। इसके साथ दूध डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और मसाला भी अच्छे से तैयार होगा। तो ये मिर्च बहुत जल्दी बनके तैयार होती है। और जो मैंने नींबू का रस निकाला है वो इसके अंदर ऐड करूंगी। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। इसके साथ ही मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हम बीच में एक दफ़ा इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा इसके अंदर अच्छे से मसाला भुनने लग गया है। तो मैं इसके अंदर इसको 2 मिनट के लिए और ढक के पकाएंगे। ये देखिए हमारी मिर्ची बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। इसका मसाला अच्छे से बनके तैयार हो गया है। मैंने इसके अंदर ज़्यादा भी मसाला ऐड नहीं किया है, बस जीरा और राइस से बनाया है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें।